गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत यकृत क्या होता है। यकृत को हम लोग लीवर भी कहते हैं, यकृत को लीवर भी कहा जाता है और यकृत को कलेजी भी कहते हैं, यकृत को कलेजी भी कहते हैं। तो ये आपका ये यकृत है, डियोडिनम या पकवास है, इसको हम लोग छोटी आंत का एक भाग कहते हैं। डियोडिनम या पकवासय को हम लोग छोटी आंत का भाग कहते हैं। ये यकृत है और ये जो पॉइंट है ये यकृत कोशिकाएं हैं। यकृत में जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं ये यकृत कोशिकाएं हैं और यहाँ से डियोडिनम से आपका जुड़ा है पित्ताशय। डियोडिनम से पित्ताशय जुड़ा है जिसे काल ब्लैडर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसका फंक्शन देखते हैं या इसको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। यकृत को हम लोग कलेजी भी कहते हैं। इसका जो वेट होता है 1.5 से 2 kg के आसपास होता है, 1.5 से 2 kg का होता है। इसका जो रंग होता है गहरे धूसर रंग का होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इसको यकृत को कलेजी भी कहते हैं। इसका जो वेट होता है 1.5 से 2 kg का होता है और इसका जो कलर होता है गहरे धूसर रंग का होता है, ठीक। यकृत में गगरी के समान एक रचना होती है जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय में पित्त रस इकट्ठा होता रहता है। पित्त रस इकट्ठा होता रहता है और वह पित्तवाहिनी के द्वारा डियोडिनम या पकवासय में आता है। जब कभी, या इससे पहले पॉइंट देखते हैं, रक्त परिसंचरण के दौरान ब्लड में ब्लू रूबिन नामक जहर बनता है। रक्त परिसंचरण के दौरान ब्लड में ब्लूरूबिन नामक क्या बनता है, जहर बनता है, ठीक है। इस ब्लूरूबिन को यकृत कोशिकाएं एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको पित्त रस में कन्वर्ट करके पित्ताशय में इकट्ठा कर देती हैं। इस ब्लूरूबिन को कौन इकट्ठा करता है, यकृत कोशिकाएं ब्लड से एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको पित्ताशय में पित्तरस के रूप में बदल देती हैं, ठीक है, या पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा हो जाता है। जब कभी गंदे पानी या अन्य कारणों से पित्त कोशिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं और पित्तरस डियोडिनम में नहीं आ पाता है तो यकृत कोशिकाएं ब्लूरूबिन लेना बंद कर देती हैं। किसी कारण से अगर इसमें गंदा पानी या आ जाता है तो पित्ताशय डियोडिनम में नहीं आ पाता। जब डियोडिनम में पित्ताशय नहीं आ पाता तो पित्तरस यहाँ भरा रहता है और यकृत कोशिकाएं ब्लड से ब्लूरूबिन नहीं लेंगी तो रक्त में ब्लूरूबिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। रक्त में ब्लूरूबिन की मात्रा बढ़ती जाती है और इसका जो कलर होता है वो पीला होता है। ब्लूरूबिन का कलर जो होता है पीला होता है जिसकी वजह से शरीर पीला पड़ जाता है। इसी को हम लोग पीलिया कहते हैं या जॉइंडिस कहते हैं।
या ज्वाइंडिस कहते हैं। जब शरीर पीला पड़ जाता है इसी को हम लोग पीलिया कहते हैं या ज्वाइंडिस कहते हैं। ब्लूरूबिन के कारण यूरिन का जो कलर होता है वो भी पीला हो जाता है। ब्लूरूबिन के कारण यूरिन का जो कलर होता है वो भी पीला हो जाता है। क्यों होता है? रक्त जो होता है उसको फिल्टर कौन करता है? किडनी करती है, गुर्दा, गुर्दा या किडनी करती है। रक्त को फिल्टर कौन करता है? गुर्दा करता है, ठीक है। तो क्या होता है, यूरिन जो ब्लूरूबिन जो है यूरिन में बढ़ जाती है, यूरिन में ब्लूरूबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और ब्लूरूबिन कैसा होता है? पीला होता है। ब्लूरूबिन कैसा होता है? पीला होता है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर जो होता है वो पीला हो जाता है, ठीक है। ब्लूरूबिन के कारण शरीर भी पीला होता है और यूरिन भी पीला हो जाता है, ठीक। जब व्यक्ति को पीलिया हो जाती है तो डॉक्टर आपको तेल और घी खाने से मना करता है, तेल या घी खाने से मना करता है, क्योंकि यहाँ से पित्तरस आ नहीं पाएगा, ड्यूओडेनम या पक्वाशय में आ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से तेल या घी का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से तेल या घी का इमल्सिफाइड नहीं हो पाता है। इसी वजह से डॉक्टर तेल और घी खाने से मना करते हैं। तो इसका एक बार और बता देते हैं, इसका फंक्शन क्या है। ड्यूओडेनम में छोटी आँत है, ये यकृत है, ये छोटे छोटे जो पॉइंट यकृत कोशिकाएं हैं, इसी में पित्ताशय है, गगरी के समान जो बना है ये पित्ताशय है, ठीक है। ये पित्ताशय है, जो संरचना है पित्ताशय, पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा होता रहता है और पित्तवाहिनी के माध्यम से ड्यूओडेनम या पक्वाशय में आता है, ठीक है। उसके बाद रक्त परिसंचरण के दौरान रक्त में ब्लूरूबिन नामक जहर बनता है, जिसको यकृत कोशिकाएं अब्जॉर्ब करती हैं और पित्तरस में बदल करके पित्ताशय में इसको इकट्ठा कर देती हैं, और वो पित्तरस पित्तवाहिनी के माध्यम से ड्यूओडेनम या पक्वाशय में आ जाता है। जब कभी गंदा पानी या अन्य कारण से पित्तवाहिनी बंद हो जाती हैं, गंदा पानी या अन्य कारण से पित्तवाहिनी बंद हो जाती हैं, तो यकृत कोशिकाएं ब्लूरूबिन रक्त से ब्लूरूबिन लेना बंद कर देती हैं। तब रक्त में क्या होता है, ब्लूरूबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लूरूबिन की मात्रा बढ़ने से शरीर का रंग पीला हो जाता है, क्योंकि ब्लूरूबिन का कलर कैसा होता है? पीला होता है। इसी को हम लोग पीलिया कहते हैं या ज्वाइंडिस कहते हैं। ब्लूरूबिन के कारण यूरिन भी पीला हो जाता है, क्यों? क्योंकि रक्त का जो फिल्टर होता है वो किडनी में होता है, तो वहाँ से किडनी ब्लूरूबिन को यूरिन में ज़्यादा मात्रा में भेजने लगती है, जिसकी वजह से आपका यूरिन भी पीला हो जाता है। जब पीलिया हो जाती है तो उस समय डॉक्टर तेल या घी वाली चीज़ें खाने से मना करता है, क्योंकि उसका इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से तेल या घी नहीं पच पाते हैं। यही आपका लीवर का काम है, यकृत द लीवर के कार्य। पहला है प्रोटीन का उपापचय, प्रोटीन का उपापचय। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का ड्रेट का उपापचय। तीसरा है वसा का उपापचय, वसा का उपापचय। तो यकृत के तीन कार्य होते हैं, प्रोटीन का उपापचय, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय और वसा का उपापचय, ठीक है। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे प्रोटीन का उपापचय कैसे होता है, प्रोटीन का उपापचय कैसे होता है। यकृत प्रोटीन का उपापचय,
प्रोटीन का उपापचय। इससे प्रोटीन से क्या बनती है? अमोनिया, अमीनो एसिड। एक प्रोटीन से क्या बनती है? अमीनो एसिड और अमोनिया बनती है। अमीनो एसिड और अमोनिया बनती है। अमोनिया बहुत ही जहरीली होती है। अमोनिया बहुत ही जहरीली होती है। यकृत इस जहरीले पदार्थ को कम जहरीले पदार्थ में यानी यूरिया में कन्वर्ट करता है। कम जहरीले पदार्थ यानी यूरिया में कन्वर्ट करता है और यह गुर्दे के माध्यम से, किडनी के माध्यम से यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देता है। तो प्रोटीन से क्या बनता है? अमीनो एसिड और अमोनिया बनती है। अमोनिया बहुत ही क्या होती है? जहरीली होती है। इस ज़्यादा जहरीली से कम जहरीली पदार्थ यूरिया में यकृत कन्वर्ट करता है। यकृत का काम अमोनिया को कम जहरीले पदार्थ यूरिया में कन्वर्ट करना, ठीक है, और इसको किडनी के माध्यम से यूरिन के रास्ते बाहर निकाल लेता है, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। दूसरा हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, ठीक है। आराम तलवी के कारण जब कभी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब यकृत एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जब हमें कभी लंबे समय तक भूखे रहना पड़ता है तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तब यकृत पुनः इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आराम तलवी के कारण जब कभी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब यकृत उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जब कभी लंबे समय तक या भूखा रहना पड़ता है, जब कभी हमें भूखा रहना पड़ता और ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है तब यकृत पुनः उस एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वसा का उपापचय। वसा का उपापचय, वसा का उपापचय, उपापचय, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से वसा में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को आवश्यक वसा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को आवश्यक वसा प्रदान करता है। यह काम यकृत कब करता है? जब कभी दुबले पतले लोग को ठंडी लगती है। यह कार्य यकृत तब करेगा जब कभी दुबले पतले लोग को ठंडी लगेगी, तो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देगा वसा में जितनी शरीर को ज़रूरत रहेगी। अगर नहीं ज़रूरत है, ठंडी नहीं लग रही दुबले पतले लोगों को, तो कार्बोहाइड्रेट से वसा में कन्वर्ट नहीं करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि विषाक्त पदार्थों से शरीर की रक्षा करता है। जैसे अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है? ज़्यादा जहरीली होती है उसको कम जहरीले में कन्वर्ट करता है, यूरिया में, ठीक है।
कम जहरीले में यूरिया में कन्वर्ट करता है। अतः हम कह सकते हैं कि यकृत विषाक्त पदार्थों से शरीर की रक्षा करता है और संकटकालीन स्थिति में शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। संकटकालीन स्थिति में ऊर्जा प्रदान करता और विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है, विषाक्त पदार्थ से शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है, शरीर की रक्षा करता है, विषाक्त पदार्थ से शरीर की रक्षा करता है। तो शरीर यकृत के तीन काम होते हैं, प्रोटीन का उपापचय, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय और वसा का उपापचय। ओके, थैंक यू।